एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्रीमती सुदर्शना राणे पिछले दिने अपने स्वासां दे पूंजे नु खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्री कृष्ण कुमार गर्ग, सुषमा गर्ग, सपना बांसल, सुरेश बांसल, अजय गर्ग, रेणु गर्ग, सरजीवन गर्ग, रीना गर्ग, निथिल गर्ग, जीविका गर्ग, पीयूष, नैन्सी, अभिषेक, पायल, अमूल्य, सांची, आयुष, सलीना, अमान्य, अंश, वंश, अभियान, आध्य, आयश, अहाना अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों यूके पैलेस जीटी रोड खन्ना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्रीमती सुदर्शना राणी जी का जन्म पिता श्री शज्जू राम जी के घर माता श्रीमती रमेश्वरी देवी जी की कुखों समाणा पटियाला विखे सन 1942 विच होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाने अते होनहार प्रतिभा के मालिक सन। आप जी का विह सन 1960 विच श्री सतपाल गर्ग जी हुणा नाल होया। विह उपरंत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर बच्चियां कृष्ण कुमार, सपना, अजय गर्ग अते सरजीवन गर्ग ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नू खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दी बेटी अपने सहुरे घरे श्री सुरेश बांसल जी हुणा नाल सुखी व्याहता जीवन बतीत कर रही है। अते आप जी दे तिन्ने बेटे उगे बिजनेसमैन हन अते अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उन्हां दे नाम नूं चार चांद लगा रहे हन। श्रीमती सुदर्शना राणी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। श्रीमती सुदर्शना राणी जी दी फुलवाड़ी अमान्य, अंश, वंश, अभियान, आध्य, आयश अते अहाना नाल महक रही है।
अस्माकं परंपरा। पूज्य माता जी की शुभ सभा में उपस्थित महानुभाव, सिर्फ चार बातें गरुड़ पुराण की सुननी है और आपको यह महसूस हो जाए कि गरुड़ पुराण है क्या। माता जी के बारे में दो बातें सुनना, पूज्य माता जी को ऐसी संतान मिली है, बहुत धर्मात्मा पुत्र मिले हैं और गरुड़ पुराण में लिखा है जिसको सुपुत्र की प्राप्ति हो जाए तो वो पुत्र नहीं है, बोले वो मेरा पुण्य है। पुत्र का चिन्ह है गरुड़ प्राण में। अगर तुम्हें एक पुत्र मिल गया और धर्मात्मा है तो समझ लो ये मेरा बेटा नहीं, बोला मेरा पुण्य है। और पुत्र नालायक हो जाए, तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन को व्यभिचार में दुराचार में पाप में लगाए तो समझ लेना ये मेरा बेटा नहीं, ये मेरा पाप है। माता जी के लिए ये है खन्ना की गोवर्धन गोशाला, प्रतिवर्ष माता जी जो है तूड़ी के लिए पैसे देते हैं गाय में। और ये बात मुझे गोवर्धन गोशाला प्रबंधक समिति ने बताई है कि ये बात जरूर बताना कि माता जी कई वर्षों से तूड़ी के लिए पैसे देती हैं। और जब ऐसी माता हो उसको पुत्र भी अच्छी प्राप्त हो। गरुड़ प्राण क्या है? गरुड़ प्राण जो है ना साक्षात परमात्मा की वाणी है। अभी आपने अमृत वाणी का पाठ सुना, अमृत वाणी का अपना महत्व है, गरुड़ प्राण का अपना महत्व है और वाणी का अपना महत्व है। गुरु की वाणी और परमात्मा की वाणी, सनातन में दो ग्रंथ ऐसे हैं गीता और गरुड़ प्राण। आदमी बहुत बीमार है, पूछते हैं कि प्राण नहीं निकल रहे उपाय क्या है, फिर ब्राह्मण बताते हैं बोले गीता का पाठ सुनाओ। तो गीता में ऐसा क्या है कि जो प्राण निकल जाए? बोले गीता भगवान कृष्ण की वाणी है और गीता का पाठ करने से बोले प्राण सरलता से निकल जाए और बंदा मर गया। प्राण निकल गए बोले फिर गरुड़ प्राण। तो गरुड़ प्राण में ऐसा क्या है? बोले गरुड़ प्राण जो है ना भगवान नारायण की वाणी और परमात्मा की वाणी का पाठ जिसके निमित्त हो जाए बोले अज्ञात पाप। अगर कोई अपराध जीवन में हो गया है सारे समाप्त हो जाते हैं। और मैं घर पे 10 दिन पाठ कर रहा था तो मुझे कहा था कि आपको सिर्फ 5 या 7 मिनट लगेंगे, तो मैंने परिवार वालों को अपना भजन 10 दिन लगातार एक भजन सुनाया, क्योंकि हम अपना विषय है सबका। तो गरुड़ प्राण में लिखा है जाना कैसे होता है और आना कैसे हो, ये दो बातें सुनकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गरुड़ प्राण के प्रथम अध्याय में पाठ आता है, गरुड़ जी ने पूछा कि महाराज ये प्राण निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं और आदमी जाता है तो कहां जाता है? नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुने। गरुड़ प्राण का मंत्र है सुकृतम दुष्कृतम वापी भुक्ते पूर्व यथार्थतम। जब मनुष्य अपने जीवन में सुख भी भोग ले दुख भी भोग ले और जब मृत्यु का समय आएगा तो बोले कश्चित व्याधि प्रजायते। भगवान की वाणी कहती है बोले कोई रोग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रोग लग जाएगा। और उस रोग की फिर दवाई नहीं है, उस रोग की फिर कोई चिकित्सा नहीं है, उसको सीएमसी डीएमसी जहां मर्जी ले जाओ बोले उसका उपचार नहीं है। क्यों? बोले वो रोग मृत्यु का कारण बन गया है। और जो रोग मृत्यु का कारण बन के आएगा बोले वो प्राणों को लेके जाएगा। अब जब श्वासों की जिंदगी उल्टी शुरू हो गई प्राण निकल गए। एक एक बात गरुड़ प्राण में लिखी।
अज असी एक बहुत ही नेक परिवार की नेक और धार्मिक सुभा की मालिक माता श्रीमती सुदर्शना राणी जी के मौत तो बाद उन्हां दी रस्म क्रिया च सारे शामिल हन। मेरा ख्याल है कि इत्थे बैठा हर शख्स बहुत अच्छी तरह इस परिवार के विरसे तो बहुत वधिया तरह वाकफ है। ककराला संग्रहालय के नेड़े उत्थों तो ये परिवार जिन्हें एक बेहद सफल परिवारी होने के नाल उत्थे भी समाजक और विद्यक अदारिया ने बहुत अहम योगदान पाया। इस परिवार के नुमाइंदे बहुत सोह लगरारा लगभग 20 साल गौतरी कॉलेज संग्राला के प्रेजिडेंट रहे और जदों तो यह परिवार खन्ने च अपने कारोबार संबंधी इतने आके सैटल होया तो खन्ने दिया व्यापारक जथेबंदियों इतों के व्यापारक हल्के और इतों के समाजी जीवन च इस परिवार ने जो योगदान पाया मेरा ख्याल है कि उसके विस्तार में जाने की लोड़ नहीं। जितों तक माता सुदर्शना राणी जी का सवाल है इन्होंने पति गुरु संत पाल जी लगभग 16 साल पहला 2007 के इस परिवार को छड़ के गए और बच्चों को माँ बाप की जिस सरप्रस्ती की जरूरत होती है वो फर्ज दोनों शख्सियतों का एक माता जी ने बहुत ही बखूबी निभाया। मेरे तो पहला पंडित जी ने भी जिक्र किया कि इन्हों के तीनों बेटे कृष्ण कुमार गर्ग जी अजय गर्ग और सुजीवन जी बेटी सपना और उनके पति सुरेश बंसल सिंह तो इन्ना साहु और बढ़िया परिवार है किसी भी माँ वास्ते मैं समझदा कि इस तो वध तसल्ली की गल नहीं होती कि उन्होंने जीते जी उन्होंने बच्चे अपने अपने कारोबारों के वधिया सैटल हो और अपने परिवारिक जीवन के विच भी कामयाबी के नाल अपनी जिंदगी बसा रहे। जेकर बच्चे माँ बाप के बेहद फर्माबरदार हो तो मेरा ख्याल है कि सब तो वध खुशी बजुर्गों को होती है और खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती अगर बच्चों के बेहद आपस के इतफाक भी हो। मैं समझदा कि माता सुदर्शना राणी बहुत ही ज़्यादा एक संतुष्ट इंसान के तौर पर इस संसार चो गए ने क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद तो ये सारे जो गुण से जो एक नेक औलाद होने चाहिए ने उन्होंने अपने बच्चों के सारी जिंदगी ये सुख भोगन में मिलिया। सो बेशक 82 साल की उम्र अज के वक्त कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं पर इसके बावजूद उन्होंने इस संसार के रह के अपनी जिंदगी इन्नी बढ़िया ढंग के नाल इन्नी खूबसूरती के नाल एक धार्मिक इंसान के तौर पर पूरी की कि एक संतुष्ट इंसान के तौर पर इस संसार चो गए हैं। ये ठीक है कि बुजुर्गों का जो सरप्रस्ती का हाथ है वो बच्चों के सिर पर हमेशा रहना चाहिए पर यह भी हकीकत है कि जो आदमी इस संसार च आया है उन्हें जाना है। बच्चे जिन्हें मर्जी सियाने हो जाए लाइफ के जिन्हें वधिया सैटल हो जाए पर परिवारक जीवन वास्ते और समाजी रिश्तों को वधिया ढंग के नाल निभाने वास्ते बुजुर्गों की खास तौर पर माता की सेहत की हमेशा जरूरत होती है। अज इस सुख तो यह घर परिवार वाझे होया यकीन असं सारे इस परिवार के गम शरीक हो क्योंकि ठीक है किसी ने
कि फैसले लेने पड़े जब खुद तो बुरा हो गया, जब तक जिंदा थी माँ बच्चा हुआ करता था मैं, आज तो पहला इस परिवार को कोई फिक्र नहीं सी समाजी रिश्तों को वधिया ढंग के नाल निभाउंदा कि माता जी हाजिर सी, पर अज जिम्मेवारी इस परिवार के जो तीनों ही बेटे ने उन्होंने सिर पर पई है। और मैं पूरा विश्वास है कि जिस तरह के सुभा के ये बालक ने यकीनन इस जिम्मेवारी को वधिया ढंग के नाल निभा के बहुत सारे उनके दोस्त मित्र सियासी लोग जिन्हों का संग्राले तो भी और खन्ने के अंदर भी इन्हों वसूख है वो हाजिर ने, पर सिर्फ असं दो शख्सियतों को दो दो चार चार मिनट के लिए बेनती करा। सो मैं बेनती करता सब तो पहला हलका खन्ना के MLA सर धर्मजीत सिंह जी सौंध में कि वह दो चार मिनट के लिए अपने वालों माता जी को श्रद्धा प्रकट करें। सर धर्मजीत सिंह जी सौंध MLA खन्ना। ग्रंथ श्री गुरु पुराण जी की हाजिरी के सुभायमान जिन्नी भी साध संगत जी आखो जय श्री राम। अज असी बड़ी दुख की घड़ी च खड़े हैं। साढ़े बहुत सत्कारयोग माता जी माता सुदर्शना देवी जी परमात्मा की दिती सुहासा रूपी पूंजी को पूरा करते हुए गुरु चरणा के जा विराजे। तुम देखो भैन भैन का प्यार, हजे कुछ समय पहला इन्हां दे सिस्टर सकी भैन वो इस संसार को अलविदा कह के चले गए। हजे उस दुख की घड़ी चो पूरा परिवार गर्ग परिवार अग्रवाल परिवार निकल नहीं सी पाया कि एक भाणा होर बीत गया कि माता जी अपनी भैन के कोल जा विराजे अकाल पुरख के चरणों। ये असह ते अकह कष्ट है परिवार चो मां गई है। मैनू प्रोफेसर मोहन सिंह जी दियां उह सत्रां याद आंदियां जिथे प्रोफेसर मोहन सिंह जी माँ बारे लिखते हैं कि माँ वर्गा घनछावां बूटा मैनू किधरे नज़र ना आवे लैके जीतो छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाया। जे रब ने स्वर्ग बनाया असीं किसे ने रब नहीं देखिया? दसो जिन्ने उरे बैठे ने जे किसे ने रब देखिया होवे, किसी ने रब के ऐ साक्षात दर्शन नहीं किए होने, पर जिन्हें भी किए हो गए मैं दावे ना कह सकता अपनी माँ के रूप च अपने प्यो के रूप च किए हो। इस धरती के उत्ते जिहड़ा पालनहार है जिन्हों असी जगत जननी माँ जगदंबे कह के भी पूजते हैं, माँ शेरा वाली कह के पूजते हैं, माँ भवानी कह के पूजते हैं, माँ के अलग अलग रूप बना के असी पूजा करते हैं सिजदा करते हैं। उस माँ ने सानू बौद्धिक रूप के प्रबल करना ऊंचा करना वो साडा बौद्धिक ज्ञान है, साडा अंतरला ज्ञान है। उस माँ ने सानू चेतना देनी पर शरीरिक रूप च उस परमात्मा ने उस राम ने प्रभु श्री राम ने अगर इस धरती के उत्ते इंसान को पैदा किया तो सब तो पहला मूह च जिहड़ा अन्न का जाना है वह भी माँ दे देखो अंदर पैदा होया दुध उहदे तो बच्चे का पहला 9 महीने पेट च रखना है, फिर दुध पिलाना उहनू वड्डा करना है उस काबिल बनाना। तो इस तो वड्डा रब होर की हो सकता कोई दस सकता? कोई हो ही नहीं सकता इस तो वड्डा रब, ये करता नहीं पूरा हो सकता। और रब मैं एक किताब पढ़ रहा से मैं देखा कहते रब सारे को जाके मिल नहीं सी सकता, रब सारे को जाके मिल नहीं सी सकता क्योंकि ज 700 अरब की आबादी है, 700 करोड़ की पूरी वर्ल्ड की आबादी है। वो कह रहे फिर उन्हें सारे को जाने का एक जरिया की बनाया इंसान के माँ के प्यो
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬਾ, ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ 100 ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਅਸਹਿ ਅਕਹਿ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਲਈ, 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਲਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਊਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਸੁੰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੀ ਆ ਮਾਂ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟਵਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡੂ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਨਸੈਸਰੀ? ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਧ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਨਸੈਸਰੀ, ਬਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਯੂ ਆਰ ਫੇਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਬਲਾਈਂਡ। ਹਾਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿਓ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਡੀਅਲ ਔਰ ਸੱਚਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 'ਚ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਲੀਟ ਕਲਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਗਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਦੇਣ। ਸੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਵੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਭਵਜੋ ਫਿਰ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਆਏ ਅਗਰਵਾਲ ਸਭਾ ਖੰਨਾ ਲਾਇੰਸ ਕਰਪੋਰੇਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੰਨਾ ਕਲੋਥ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,
रुपिंदर सिंह राजा गिल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल श्री राम शरण खन्ना लोअर किंग गौशाला गौरी शंकर गौशाला कमेटी पंजाब नेशनल बैंक डी टी रोड चीफ मैनेजर और स्पीचर स्टाफ श्री सरस्वती संस्कृत कॉलेज श्री राम मंदिर जीर्णोद्धार शक्ति जनरल मर्चेंट एसोसिएशन राजकुमारी साहेवालिया मैं उन्होंने सारिया संस्थावान का जिन्होंने शोक प्रस्ताव आए उन्होंने सारे शख्सियतों का जिन्होंने शोक संदेश आए शोक धन्यवाद करना और उन्होंने बेनती करना इस परिवार ने बहुत गरीबी सबका मंत्री पंजाब साहब गुरकीर सिंह कोटी कि वह अपने वालों श्रद्धा के प्रगट कर और शोकग्रस्त परिवार वालों अज इतने हाजिर शोक सभा का धन्यवाद कर सर गुरकीर सिंह जी को श्रीमती सुदर्शना राणी जी जो कि इस मात लोग सदा लई अलविदा आख गए ने इस दुनिया विचों हमेशा लई अकाल चलाना कर गए ने अज आप सारे उन्होंने शोक सभा विच कट्ठे होए हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ते ही पाई है पूरन परमानंद। मैं माता जी की तस्वीर देख रहा सी उन्हां दी तस्वीर विचों एक बहुत बड़ी विरासत झलक रही सी एक बहुत बड़े शख्सियत उन्हां विचों दिखाई दे रही सी एक धार्मिक प्रवृत्ति उन्हां विचों दिखाई दे रही सी। इहो जिहियां रूहां जदों चिरिया जांदियां ने तां परमात्मा दे विच वली हो जांदियां वाकई बहुत ही इस परिवार को उन्होंने गर्व होना चाहिए एक एडी बड़ी शख्सियत हो के हो गए ने और बड़े भाग्यशाली सी आज सारा परिवार रजदा पुजदा एक खुशहाल परिवार छड़ के गए। माँ बाप का चलिया जाना भी सफल हो जाता है जो उन्होंने धियां पुत्र उन्होंने जिहड़ियां पीढ़ियां ने वो इस लायक हो जाए कि वो इस समर्थ हो जाए कि अपने पैरों से खड़े हो के वो समाज के लिए कोई चानण मनारा हो एक समाज के लिए कोई चंगा संदेश देन फिर समझ लो भी जोड़े बजुर्ग ने उन्होंने चलिया जाना सफल हो जाता ठीक है जाना सब ने है माँ बारे बहुत कुछ कहा गया बिल्कुल ठीक है माँ की जी सेवा है वो रब की पूजा ये कोई हद कतरी नहीं और माँ जी है वह रिश्ता बहुत पवित्र सो अज आप सारे इस परिवार के दुख के समय इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा हमेशा इस परिवार से मेहर भरे हाथ रखे उन्होंने आशीर्वाद बनया रहे ता जो जिस तरीके साढ़े शहर के एक बहुत ही नामवर परिवार इस तरह अपनी सेवा निभाते रहे यही मां को सब तो जिहड़ी वड्डी श्रद्धांजलि है। जिंदगी की है किसी ने कहा मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांगी सो यो जी सोचते कि बजुर्ग धारी सके और उन्होंने हमेशा एक सादगी एक चंगी जिंदगी जिहड़ी है जिहड़ी कि लोगों समर्पित जिंदगी वो बतीत करके गए ने कोई किसी गलों दुश्मनी नहीं लैके गए किसी गलों कोई माड़ी जड़ी कोई किसी तो गल नहीं को आके गए सो योजे जोड़े लोग ने वाकई महान होंगे और साढ़े समाज लिए प्रेरणादायक होंगे ने तो मैं ज़्यादा समा ना लेना हुआ क्योंकि समा ज़्यादा हो गया मैं अपने वालों अपनी कांग्रेस पार्टी वालों अपने समूह साथियों वालों जिथे दिवंगत माता सुदर्शना राणी जी को श्रद्धा सत्कार भेंट करता है उत्थे परम पिता परमात्मा को यही आप सारे बेनती अरदास करते हैं सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास स्थान दो पिछे सानू सारयां इस परिवार को पाणा मनण की बल बुद्धि ताकत बख्शियो और समूह परिवार वालों आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता है कि तुसीं सारयां ने इस परिवार के अज दुख के समय इकट्ठे होकर दुख का इजहार किया जिदे नाल
एक परमात्मा होर हिम्मत मिलेगी, होर शक्ति मिलेगी और अगे हो के जो माता जी के सुपने ने जो उन्होंने मार्ग आ जो उन्होंने रस्ता है उससे चलता हुआ परिवार देश कौम समाज की साड़ी सेवा इस तरह निरंतर जारी करता रहेगा। बहुत बहुत आप सब का धन्यवाद। जय श्री शांति ओ कथया शांति वनस्पति
हाँ परिवार वालों प्रार्थना है, सबने जिन्होंने खाना नहीं खाया खाना खा के जाए और चाय जरूर पी के जाए, इसके बाद पगड़ी हुई है। हाँ प्रसाद भी लेके जाए, प्रसाद पितृ प्रसाद है।